आपका स्वागत है रेशमा कुकिंग केस में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटन सुक्का। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मालवनी मटन मसाला। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने 300 ग्राम मटन ली थी, तो इसको मैंने बॉईल करके रखी। इसमें अच्छे से धो के इसको एक ग्लास पानी में तेल डाल के इसको पका ली मैंने। 6 से 7 सीटी लिए और अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 लहसुन की कली लिया है और एक टमाटर लिया है, एक कांदा लिया है। मैं एक कांदा मसाले में बनाने वाली मटन, ये कांदा मसाला 1 चम्मच है और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है जो घर में यूज़ करते हुए है, तो आधा चम्मच गरम मसाला है, ये हमारा होममेड है। तो यहाँ पे मैंने मटन मसाला लिया 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच हल्दी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। तो यहाँ पे मैंने खोपरा लिया है, खोपरा मैं इतना यूज़ नहीं करने वाली, उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे। तो यहाँ पे मैं चिकन भी बना रही साथ में, तो मैं इसके लिए भी निकाली थी। तो हम सारे मसाले को पहले पीस लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने फाइन पेस्ट कर ली है, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी बर्तन में हम खोपरा भी पीस लेंगे। आप लोग चाहे तो खोपरा ये हरा मसाले में पीस सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चिकन में डालने वाले ना, उसके लिए अलग से पीस रहे चालू ही रखा। तो अभी हम इसमें पानी भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे इसको सूखा पीस लेते। तो यहाँ पे मैंने खोपरे को पीस ली हूँ। तो मैं ये बर्तन में खोपरा भूनी थी, तो वही बर्तन में मैं तेल डाल रही हूँ, हम मटन उसमें ही बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, आधा कर सकते हो वो। तो अभी हो गया तेल गरम, तो यहाँ पे मैंने एक कांदा काट के रखी थी बारीक चॉप करके, तो इसको हम डाल देते हैं। इसको गोल्डन फ्राई होने तक इसको भूनेंगे। तो अभी हो गया है कांदा गोल्डन फ्राई, इसमें हम मसाले को डाल देते हैं। तो मसाला हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सुखा मटन में ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं। आप लोग से ऊपर है, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच डाली है। इसको जब तक भूनेंगे अच्छे से, मसाला तेल छोड़ दें तब तक। जितना मसाले को अच्छे से भूनेंगे ना, उतना ही मटन अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मसाले को, सारे मसाले को इसमें डाल देती हूँ मैं। यहाँ पे जो मेन मसाला है कांदा मसाला है, तो कांदा मसाले में जो मटन या बनाओ, चिकन बनाओ, कोई भी चीज़ बनेंगे ना तो बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी कांदा मसाले में बनाना के ज़रूर देखना। जो कांदा मसाला रहता है उसमें सारे मसाले रहते हैं, गरम मसाले भी, तो इसके लिए वो आप लोग ऐसे भी चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हो। इसको 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसको चलाते ही रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं तो मसाला नीचे लग जाएगा तो वही खुशबू आ जाएगा मटन में और मटन अच्छे से नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए। कम रहेगा ना, जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, तो यहाँ पे मैं मटन डाल रही हूँ, मटन के साथ जो पानी है उसमें ही डाल रही हूँ। इसे हमें अच्छे से इसको सूखा होने तक पकाएंगे। इसमें कुछ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं ऊपर से, और नमक रहेगा तो आप लोग नमक डाल सकते कम या ज़्यादा। तो मसाले तो मैंने भूनने में डाले हूँ। तो यहाँ पे मैं
खोपरा का पाउडर डाल रही हूँ जो पीस के रखे थे हम। तो यहाँ पे मैं 2 ही चम्मच डाल रही हूँ। इसको हम पानी सूखने तक अच्छे से इसको पकाएंगे। मटन तो पहले से गला हुआ है, सिर्फ इसको सुखाना है। तो मैंने सोचा आज हम मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे मटन मसाला नहीं था, मटन का कोई भी रेसिपी नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज मटन लाई तो मटन का रेसिपी डालूँ। इस वजह से मैं मटन बनाई आज। तो हम एक बार ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो देख सकते हो आप लोग, ऊपर से तेल, साइड से तेल छूट रहा है मटन। तो इसे हम एक बार घुमा लेते हैं मसाले को। तो आप लोग देख सकते हो दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। और जिसको भी मटन का शौकीन है उसको ये वीडियो शेयर करना। जो दिखने में इतना टेस्ट सुंदर दिख रहा है ना, उतना ही खाने में भी टेस्टी बना है मटन। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे हमारा मटन बनके रेडी हो गया। तो मैं यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ। तो लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया। इसके बगैर चिकन या मटन हो कोई भी चीज़ अधूरा रहता है। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा मटन बनके रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैंने सर्व करी हूँ। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर दिख रहा है दिखने में और इतना ही टेस्टी बना है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।